वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग स्टूडेंट खबरी। एंड जो हम सेशन हमने स्टार्ट किया था मेडिकल एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, हम फिर से लेकर आए हैं एक और एग्जामिनेशन विच इज GCET। सो दिस इज गोवा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एंड ये जो सारे स्टूडेंट्स जो अपनी प्रोफेशनल मेडिकल्स में या फिर प्रोफेशनली फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते होंगे कि गोवा का ये जो एंट्रेंस टेस्ट है, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं गोवा के स्टेट्स में रह के, तो आपको ये एग्जाम देना होता है। एंड आप उसके बाद जो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, उसमें कितना इम्पोर्टेंस होता है इन सारे एग्जामिनेशंस का, जब आप अपने स्कोर वहाँ पे शो करते हैं एंड स्कोर्स के बेसिस पे आपको सीट्स दी जाती है। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसका जो एग्जामिनेशन होता है, जो आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो मैं बता दूं कि एक ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है। दैट मींस आप कहीं भी ऑनलाइन इसे फिल नहीं कर सकते, आपको खुद जाके ऑफलाइन ये फॉर्म फिल करना होता है। एंड उसके बाद जब इसके एग्जामिनेशंस होते हैं तो वो भी ऑफलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं। दैट मींस पेन एंड पेपर टेस्ट कह लीजिए या फिर आप रिटन टेस्ट कह लीजिए, आपका एग्जाम होता है। अप्रॉक्स 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होता है, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पे बिल्कुल बेस्ड होता है। एंड जो अगर मैं बात करूं कि इसमें कितनी सीट्स होती है, तो अप्रॉक्स 1300 या 1300 सीट्स इसमें होती हैं। अगर हम बात करते हैं कि किस तरह आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भर सकते हैं, तो मैं बता दूं कि आप एंड वीक ऑफ मार्च से लेकर एंड वीक ऑफ अप्रैल तक इसके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। टू बी वेरी एस्टिमेट, 2019 के जो एग्जामिनेशन के फॉर्म थे, वो 25th मार्च से लेकर 25th अप्रैल तक फिल किए गए थे। अगर हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम्स कब होता है या एग्जाम्स आप कब देते हैं, तो वो होते हैं एंड ऑफ मई में। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में जो कैंडिडेट 10+2 यानी कि अपना 12th क्लास क्लियर कर चुके हैं विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की स्ट्रीम से, वो एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम्स को देने के लिए। 12th क्लास में अगर किसी जनरल स्टूडेंट ने 45% एग्रीगेट स्कोर किया है, तो वो एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। वहीं तक अगर बात करें OBC, ST या SC कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स की, तो वो इसमें 40% एग्रीगेट मार्क्स स्कोर करके ये एग्जाम दे सकते हैं। जहां तक मैंने आपको एग्जाम्स के बारे में बताया कि एक ऑफलाइन मोड का एग्जामिनेशन है, एंड मैं बता दूं कि इसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पे बेस्ड होते हैं, एंड टोटल आपको 2 आवर्स मिलते हैं, यानी 2 घंटे मिलते हैं इस पूरे एग्जाम को कवर करने के लिए। एंड आपको इसमें 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन मिलता है, यानी कि मैक्सिमम स्कोरिंग मार्क्स आपका 75 है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात करते हैं अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की, तो किसी भी स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस एक बहुत बड़ा मैटर होता है, एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप किसी भी एजुकेशन फील्ड में जाते हैं या कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं। तो मैं बता दूं कि इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है, वो होती है 2000 रुपीज़ फॉर एवरी कैंडिडेट, irrespective to your caste and gender, सभी के लिए सिर्फ 2000 Indian rupees। So जब आप form fill करते हैं, तो उस time पर आपको ये जो amount है वो pay करना होता है अपनी application fees के साथ में। अगर आपके पास कोई भी questions हैं, doubts हैं इस पूरे exams के लिए या ऐसे और भी examinations के लिए, तो आप हमें comment section में वो ज़रूर बताएं। इस exam से related जो important links हैं, वो हमने description box में दी हुई हैं, तो आप उसको भी check ज़रूर करें। एंड ऐसे ही और एग्जामिनेशंस के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ ऑन द चैनल स्टूडेंट खबरी। टिल देन यू कैन जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल।